सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में रिस्क लेने के लिए कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। आज का पंचांग 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, शाम 4:15 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 8:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:18 से 5:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर दोपहर 1:42 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है। मेष राशि 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार, मेष राशि के लोगों के लिए आज के दिन व्यापार के मामले में काफी अहम रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें पूंजी निवेश को लेकर चर्चा आदि कर सकते हैं। आज आप व्यापार में पूंजी निवेश को बढ़ाने के सिलसिले में कुछ कदम उठा सकते हैं। दरअसल आज आपका किसी के साथ विवाद होने की संभावना है। आपको सलाह है कि जितना संभव हो सके काम से काम रखें, साथ ही नकारात्मक मानसिक वाले व्यक्तियों से भी दूरी बनाकर रखें। आज आपका बैंकिंग जीवन अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। घर परिवार में आपसे संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आज किसी की भी कहा सुनी बातों पर ध्यान ना दें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आज अपने सहज ज्ञान का पालन करें। आज काम में कुछ बेचैनी हो सकती है परंतु अप्रत्याशित आय या विरासत आसानी से आपके दिमाग को शांति प्रदान करेगी। किसी भी रिस्क व्यापार या जुए से बचें। इसके बजाय परिवार खासकर बच्चों या बुजुर्गों के साथ मनोरंजन में समय बिताएं। इससे आपका ध्यान असफलताओं से हटेगा और आप अपने निजी अतीत के साथ सकारात्मक तरीके से संपर्क कर पाएंगे। रिश्तों में कूटनीति का प्रयोग करें। कुछ रिश्ते अभी समाप्त हो सकते हैं किंतु कोशिश करें और उन्हें सुधारने और अगर जरूरत हो तो बिना किसी बैर से आगे बढ़ें। आज आपके भावनात्मक पहलू की बात है तो प्रेम की शारीरिक विशेषताएं प्यार की आपकी परिभाषा को नियंत्रित करती है। जुनून शिक्षा और अंतरंगता आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आप ऊर्जा से भरपूर हैं व प्यार और हंसी आपकी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपके लिए श्रेष्ठ है। आप अपनी धन का सही इस्तेमाल करते हैं। इस समय आप अपनी जीवन के सच्चे बॉस हैं, जो हर पल का मजा ले रहा है और खुलकर जी रहा है। जुनून विनोद और उल्लासपूर्ण स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहेगा और कभी कम नहीं होगा। आप जो शारीरिक बदलाव आज करेंगे वो निश्चित तौर पर आपके रूप रंग को आकर्षण वे निश्चित तौर पर आपके रूप रंग को आकर्षित बनाएगा। फेरी टेल पर मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें और मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। शारीरिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा मानुष बर्ताव अहम किरदार अदा करेगा। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने साथी के साथ बांटना भी चाहिए। आप आज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहेंगे बशर्ते इसके लिए आप दूसरों से मदद लें। तो दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना सीखना होगा। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। सावधानियां, आप व्यवसाय में किसी नए प्रयोग को करने से बचें। अगर आपको वह चीज अच्छे से आता है तभी वह करें।
कारोबार कर रहे लोग आपके विश्वास से आगे बढ़ेंगे और अपने कामों में कोई संकोच नहीं करेंगे। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण काम है तो आप उन्हें समय रहते पूरा कर लें। आपको किसी कानूनी मामलों में सफलता तो मिलेगी, परंतु इसके पीछे आपको बहुत मेहनत भी करनी होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आज मिले तनाव या मानसिक व्यस्तता से ब्रेक लें। पड़ोसी या किसी रिश्तेदार की बीमारी आपको व्याकुल करेगी, ऐसे में खाली समय या मनोरंजन के लिए समय निकालें। रचनात्मक बने और अपनी लव लाइफ को नमकीन बनाने के नए रास्ते खोजें। अपने रिश्ते को अपना पूरा समय और ऊर्जा प्रदान करें। अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी बातचीत को स्पष्ट रखें और अपने पार्टनर को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। रहस्य को शेयर करें और अपने अतीत के बारे में भी बताएं, इससे आपको साथ में सुनहरा भविष्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। किसी कवि का कहना है कि अपने साथी का पीछा करना एक खुश आत्मा को अधिक प्रभावित कर देता है। आप प्यार की उत्तेजना और उत्साह के माध्यम से अपनी परेशान भावनाओं को दूर करने में सक्षम हैं। जीवन जीने की अनजान शैली आपके जीवन को सुख से भर देगी। एक अच्छी दोस्त, रोमांटिक रिश्ता और मेहमानों पर ध्यान देना भी जीवन को आकर्षक बनाता है। खुशियों के दिन आसानी से नहीं मिलते, तो उन्हें दिल खोलकर जिए। हालांकि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से जीवन को प्यार करने का यह सबसे सकारात्मक तरीका है। बात करते हैं करियर की। आज अप्रत्याशित नुकसान जैसे जुए और हार्ट टैक्स या जुर्माना शेयर आदि में घाटे का सौदा आपको मिल सकता है। धन का सोच समझ कर निवेश करें। किसी विशेषज्ञ की सलाह लें और मूर्खतापूर्ण व्यापार को नजरअंदाज करें। आज आप निजी या व्यावसायिक नुकसान से जूझ सकते हैं। अतीत की घटनाओं से खुद को मायूस न होने दें। आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण रिश्ते या कनेक्शन का इस चरण में अंत हो सकता है। यह समय है नए कनेक्शन की तलाश करने और आगे बढ़ने के रास्ते में सोचने का। खुद को स्थापित करने के लिए किसी नए सकारात्मक रास्ते की जांच करें। आज आपके दिमाग में केवल प्यार, जुनून और सेक्स है। धन के आगमन के कारण आपके उत्साह को पंख मिलेंगे। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास कितना धन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास भाग्य का मजा लेने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य ही नहीं हो। सब जानते हैं कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं और आपकी कड़ी मेहनत हमेशा आपको लाभ दिलाती है। अभी जो भी अच्छे फल आप प्राप्त कर रहे हैं वो आपकी किस्मत के कारण नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण है। बात करती है सेहत की। सर्दी खांसी जुकाम जैसी मौसमी बीमारी हो सकती है। जितना संभव हो सके ठंडे पदार्थों का सेवन करने से बचें। खान पान का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।